स्टूडेंट्स, अभी हम सिलिंग या गुलेल का वर्किंग समझेंगे। देखिए क्या होता है, यहाँ पर कोई रबड़ बैंड है और रबड़ बैंड के अंदर पत्थर है हमारे पास, ठीक है। इस पत्थर पर, इस स्टोन पर क्या लगता है, टेंशन फोर्स लगता है T1 और T2। मान लेते हैं पॉइंट O है, यहाँ पर स्टोन है और ये हमारा जो रोप है, स्ट्रिंग है, उसका फर्स्ट सेगमेंट है, सेकेंड सेगमेंट है। तो जो रिजल्टेंट वैक्टर, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट टेंशन लगेगी, वो टी लगेगी और ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन जाता है। जब हम इसको खींच कर छोड़ेंगे तो जो पत्थर जाएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर टी की डायरेक्शन में जाएगा और हाई स्पीड से फॉरवर्ड जाएगा। कैसे जाएगा? हाई स्पीड से जाएगा, हाई स्पीड से फॉरवर्ड मूव करेगा।